एलएसी पर लगातार तीसरे दिन चीन की गुस्ताखी को करारा जवाब। चुमर में घुसपैठ की कोशिश, हिंदुस्तानी जवानों को देख भागी चीनी सेना। एलएसी पर जारी है चीन की साजिश। बीती रात चीन के जवानों ने फिर की घुसपैठ की कोशिश, भारतीय जवानों ने पीछे खदेड़ा। काला चौप और हालमेट चौप इलाके में चीनी फौज ने की घुसपैठ की कोशिश। अंधेरे का फायदा उठाकर आगे बढ़ रहे थे पीएलए के जवान। चीन ने काला टॉप पर जासूसी के लिए लगाए थे कैमरे। भारतीय सेना ने नष्ट किए कैमरे और सर्वेलांस सिस्टम। एलएसी के हालात को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हाई लेवल मीटिंग। विदेश मंत्री, एनएसए, सीडीएस और सेना के अफसर रहे मौजूद। चीन की एक और बड़ी साजिश का खुलासा। बांडगन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन परमाणु शस्त्रागार में बड़े इजाफे किए बिना बना रहा है योजना। अमेरिकी वायुसेना परमाणु अस्त्र से संपन्न है, लेकिन चीन को अभी इस क्षेत्र में पिछड़ा माना जा रहा है। चीन न्यूक्लियर एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल इसकी भरपाई करना चाहता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को रवाना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीट में लेंगे हिस्सा। 3 दिवसीय दौरा मॉस्को में एसईओ समिट में चीन के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। गलवान विवाद के बाद दोनों देशों के रक्षा मंत्री पहली बार होंगे आमने सामने। पांगोंग में तनाव के बीच चीन का पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा युद्ध सामग्री। बख्तरबंद गाड़ियों और शैंकू की सप्लाई का हुआ बड़ा खुलासा। सुशांत केस की तफ्तीश में जुटी एनसीबी को मिली बड़ी कामयाबी। मुंबई के बांद्रा में एक ड्रग पेडलर को किया गया गिरफ्तार। एनसीबी ने अभी नहीं बताया ड्रग पेडलर का नाम, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर, ड्रग पेडलर ने किया है बड़ा खुलासा। रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक भी इसी से खरीदता था ड्रग्स। सूत्रों के हवाले से खबर, ड्रग पेडलर ने किया खुलासा, शौविक खुद भी यूज करता था ड्रग्स। रिया से अभी ड्रग पेडलर का कोई सीधा कनेक्शन नहीं मिला। रिया के आरोपों के बीच सुशांत का एक नया वीडियो सामने आया। सुशांत इसमें पिता से बहुत कुछ सीखने की कर रहे थे बात, जबकि रिया के मुताबिक सुशांत के रिश्ते पिता से अच्छे नहीं थे। मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी अपने डैड से, जो एकदम से मेरे दिमाग में आती है, ऑल्दो मैं बहुत ही प्रिसाइसली आंसर दूंगा, बहुत कुछ मैंने अपनी मदर से सीखा है, लेकिन बहुत कुछ सीख सकते हैं ये अपने पापा से सीखा है। महाराष्ट्र के भंडारा में सैलाब का कहर, एक मजदूर परिवार पर आई अलग तरह की मुसीबत। बाढ़ में भीग गई बेटी की शादी के लिए जुटाई रकम। अगले महीने होनी है मजदूर की बेटी की शादी। रुपए भीगने पर बढ़ा संकट, बचे रुपयों को सड़क पर पत्थर रखकर सुखाने की मजबूरी। महाराष्ट्र के भंडारा और गोंदिया जिले से 62 गांवों में सैलाब का कहर। 18,000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से प्रभावित। यूपी के आजमगढ़ में टूटा सैलाब का कहर। घाघरा नदी पर बना रिंग बांध टूटा। छत्तीसगढ़ के जसपुर में विकास के दावे हुए फेल। नदी पर पुल और गांव में सड़क नहीं होने से बीमारों को अस्पताल पहुंचाना मुश्किल। गर्भवती महिला को डोली में लाद कर लाया गया अस्पताल। दिल्ली के रनवाला इलाके में लापरवाही ने छीनी युवक की जिंदगी। चलते ट्रैक्टर पर चढ़ने की कोशिश में मौत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ पूरा हादसा। तेज चलते ट्रैक्टर के साथ दौड़ते युवक ने उस पर चढ़ने की कोशिश की, पैर फिसल कर गिरने से युवक पर चढ़ गया ट्रैक्टर, मौके पर ही दम तोड़ा। जालंधर में लुटेरों से भिड़ गई एक मासूम लड़की। बाइक पर भागते दो लुटेरों में से एक को दौड़ा कर पकड़ा, बाइक से नीचे गिरा। ट्यूशन के लिए जा रही लड़की का मोबाइल झपट कर भागे थे बदमाश। लड़की ने दिलेरी दिखाते हुए एक लुटेरे को पकड़ा। इस दौरान लुटेरे ने हमला कर लड़की को चोट भी पहुंचाई। हैदराबाद में आईएमएस डायरेक्टर देविका रानी और नागलक्ष्मी के ठिकाने से 4,47,00,000 रुपए बरामद। हिसाब नहीं दे पाने पर सारी रकम सीज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।